फ्रेंड्स, क्या आप सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हो? फ्लैगशिप मतलब S20 एंड अबव, जिसमें कि प्लस आता है, अल्ट्रा आता है। सिमिलरली S20 अल्ट्रा, ऐसे फ़ोन में 3.5 mm जैक नहीं है, जिसके वजह से हम इजीली उसमें एक्सटर्नल माइक्रोफोन नहीं लगा पा रहे। अगर आप मार्केट से कुछ ऐसे अडाप्टर लेके आ रहे हो टाइप सी टू 3.5 mm अडाप्टर्स, तो ये काम नहीं करते। अभी जैसे कि मेरे पास ये है वन प्लस का अडाप्टर, नहीं काम कर रहा। ली टीवी का अडाप्टर नहीं काम कर रहा। तो क्या हम एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं इसमें? तो हाँ लगा सकते हैं, लेकिन कैसे लगा सकते हैं? तो उसके लिए चाहिए आपको सैमसंग का ओरिजिनल अडाप्टर। तो आपको कहाँ मिलेगा? एक तो आप सर्विस सेंटर से ले सकते हो, या आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन सैमसंग शॉप थ्रू। आपको करना क्या है, सैमसंग शॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आपके मोबाइल में। अगर आपका सैमसंग फ्लैगशिप फ़ोन है तो वो ऑलरेडी रहेगा। तो आपको सर्च करना है 3.5 mm अडाप्टर टाइप सी, आपको ऑप्शन आ जाएगा। उसका प्राइस है 700 रुपीज़, बट आपको उसके कूपन्स मिलते हैं। वो कूपन्स ऐड करने के बाद इट विल बिकम 650 रुपीज़। तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हो और वो आपको 3 से 4 दिन में डिलीवर हो जाएगा, जैसे कि मेरे पास हो गया है। तो चलो इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग देखते हैं और देखते हैं कि ये काम करेगा कि नहीं। तो उसका एक सैम्पल फुटेज भी हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये है पैकेजिंग। पैकेजिंग बहुत अच्छी तरीके से अच्छे से आता है, आप देख सकते हो। यहाँ पर लिखा है सैमसंग शॉप और बहुत अच्छी। और ये है इसका डिस्ट्रीब्यूटर सेवेक्स, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर फॉर सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स। तो पैकिंग कुछ इस तरीके से आती है इसकी और बहुत अच्छे से पैक करके भेजा हुआ है। और ओपन करके देखते हैं अभी इसको। और ये आ गया अपना बॉक्स। बॉक्स की रैपिंग भी बहुत अच्छी तरीके से की करके भेजी हुई है। और क्विकली मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओके, दिस बॉक्स के अंदर आएगा और एक बॉक्स। सो दोस्तों, ये आ गया है बॉक्स और ये है उसका बिल। ये बॉक्स में कुछ नहीं है, एम्प्टी है, इसको रख देते साइड में। ये है शायद इसका ओरिजिनल बिल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस 649 रुपीज़। इसको साइड में कर देते हैं। ये है अडाप्टर दोस्तों, टाइप सी हेडसेट जैक अडाप्टर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिलेगी, ये है 699 रुपीज़, बट हमें डिस्काउंट में 649 में मिला है। उसके बाद हम कर देते हैं इसको ओपन। बहुत अच्छी तरीके से पैकिंग करके भेजा है इन्होंने। इसमें और कुछ नहीं है। और यहाँ पे ओपन करेंगे तो ये रहा वाइट कलर। तो दोस्तों, इसमें वाइट कलर ही आता है। क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फाइन ट्यून क्वालिटी है और इस तरीके से है। तो दोस्तों, दिक्कत क्या आती है कि जब भी हम ये नॉर्मल वाला अडाप्टर लगाते हैं, जैसे कि ये वन प्लस का है, तो ये एरर आता है, कनेक्टेड USB डिवाइस इजंट सपोर्टेड। अभी हम ट्राई करते हैं सैमसंग का लगाने के लिए। तो ये है दोस्तों अडाप्टर माइक और अभी हम लगाते हैं ये वाला अडाप्टर। सो इट्स सपोर्टेड, नो एरर। तो आप देख सकते हो कुछ भी एरर नहीं आया है। सो फ्रेंड्स, अभी जो आप ऑडियो सुन पा रहे हो वो है सैमसंग के मोबाइल फ़ोन से। ये है सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा। इसमें मैंने कोई भी एक्सटर्नल माइक नहीं लगाया है अभी। तो ये वॉइस आप देख सकते हो, जज कर सकते हो कि कैसी है। और मेरा और कैमरे का जो डिस्टेंस है वो करीब 1.5 फीट का है, तो शायद उसके वजह से भी अच्छी वॉइस आ रही होगी। तो अभी हम कनेक्ट करेंगे बोया का लैप माइक 3.5 mm में। इसको कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और देखते हैं कि वॉइस कैसे आ रही है। तो दोस्तों, अभी मैंने
बोया का माइक लगाया है, तो अभी जो वॉइस आप सुन पा रहे हो ये है बोया के लेवलियर माइक से। तो इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि साउंड की क्वालिटी कैसी आ रही है बोया के माइक से, जो कि एक्सटर्नल माइक है जो हमने कनेक्ट किया है सैमसंग के हेडफोन अडाप्टर से। जो तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, अंटिल वी मीट अगेन, बाय फॉर नाउ।